Hello everyone, welcome to our channel. My name is Prashant Chandra. Before starting this video, I want to thank every student who supported us. In a very short span of time, our quality booklets have reached Pan India. And I know you are all eagerly waiting for the modern history handwritten booklets. So this video is about my history notes. And in these booklets, I have covered all topics with proper, neat and clean presentation. In a very extensive manner, and so that you can understand each and every topic very easily. Okay, and I can assure you that these are one of a kind notes and you will not find anywhere else. Okay, and so who want to purchase these notes, modern history our booklet, and I have given the contact in our description box, you can see from there also. Okay, so to aap log ko bata dun fir se main, ye modern history ki booklets hai. और बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री बुकलेट के, वो वेट ख़त्म हुआ है. तो मेरे पीछे दो बुकलेट रखी हुई हैं, पार्ट वन में है और पार्ट टू में है. ये आप देख रहे होंगे, आप बगल आ रहा होगा, पार्ट वन है ये, ठीक है, और ये पार्ट टू है, ठीक है. तो मैं फिर से बता दूँ कि इस तरह के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ. और इस नोट्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है और थोड़ा सा टाइम कम था, लेकिन हाँ, उसमें हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसको रात दिन एक करके हम लोगों ने बनाया है, ठीक है. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये नोट्स. तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँ कि कैसे नोट्स रहेंगे. ये पार्ट वन है, ठीक है, ये पार्ट वन बुकलेट है और ये पार्ट टू है, ये पार्ट टू है, ठीक है. तो थोड़ा सा काफ़ी थोड़ी सी मोटी बुक बन गई है, क्योंकि सारा कुछ मैंने इसमें कवर किया है और एक एक चीज़ों को मैंने पिक्चराइजेशन के हिसाब से कवर किया है, ताकि आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है. तो चलिए मैं आपको ये बुक्स दिखा देता हूँ. तो देखिए, दो पार्ट है, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, और इन दोनों पार्ट को मैं अच्छे से आपको दिखा दूँगा, एक एक चीज़ डिटेल में, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको मैं पार्ट टू को यहाँ रख देता हूँ साइड में, हम लोग पार्ट वन देखते हैं, ठीक है. तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने OHP काफ़ी जो फिल्म है आगे की, काफ़ी हार्ड यूज़ की हुई है, ठीक है. ये हमारा कवर पेज है. कवर पेज में जैसे जस्ट लाइक पॉलिटी, इन कवर पेज में मेजर जितने भी इंसिडेंट हुए थे मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है. उसके बाद ये हमारा पेज है, आप हमको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में, ठीक है. उसके बाद आप खोलेंगे तो मैंने आप फिर से जैसे पॉलिटी में बताया था, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन ईच ईयर आते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ दिखा दिया है, इसको भी बता दिया है. तो ऑल अराउंड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे फिर आपको इंडेक्स का चैप्टर मिलेगा, तो यहाँ से लेके 1 से लेके 15 तक यहाँ पे जो पार्ट वन है उसके चैप्टर्स हैं. यहाँ पे पेज नंबर डाल दिया डिटेल में, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है. चलिए तो देखिए, पहला चैप्टर जो है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है इंडिया में, कैसे कैसे यूरोपियंस हैं. देखिए यहाँ कितने नीट एंड क्लीन वे में बता दिया. मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस तरह का जो नोट्स है वो कोई भी मार्केट में, कोई भी कोचिंग वाला कोई भी नहीं देगा. इवन आप जो टेक्स्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक पढ़ते भी हैं, उसमें भी इतना डिटेल एनालिसिस नहीं दिया हुआ है. इसमें काफ़ी मेहनत हम लोगों ने की है, काफ़ी कॉस्ट आया इसको बनाने में. और बुक आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं भी आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वही सेम कॉन्सेप्ट वायरो यूज़ किया है, देखिए कितना हार्ड है. और जो यहाँ पर पेपर यूज़ हुआ है वो 100 GSM पेपर है, काफ़ी हार्ड पेपर है, ठीक है. आप वो दे सकते हैं उसको, आप ये जब पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि एनिमेशन वे में बनाया गया, हर चीज फिगर डायग्राम से समझाया गया, ठीक है. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद अब देखते हैं, देखिए यहां पे फिर से मैंने मैप में चार्ट वाइज हर चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने यहां बॉक्स में डाल दिया है, आपको देख सकते हैं, ठीक है. फिर यहाँ देखिए, एंग्लो जब ब्रिटिश आया, फिर एंग्लो और फ्रेंच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का पूरा मैंने चार्ट वाइज बता दिया है. यहाँ भी देखिए सक्सेशन जो वॉर का हो रहा था, सेम एज इट इज पूरा जो है बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है. हर चीज़ यहाँ पे बॉक्स में है, जो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखिए यहाँ पे बिटवीन फ्रेंच, यहाँ पे देखिए एनिमेशन पे लड़ाई दिखा रही है, कौन विक्ट्री हुआ, विक्ट्री मैंने यहाँ डाल दिया है. तो आप सपोज करिए इस तरह नॉर्मल टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. ये एक प्रकार से रिवोल्यूशन है पढ़ाई का. आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग लगती है, लेकिन इस ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, इसको पढ़ने के बाद हिस्ट्री कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, ठीक है. यहाँ देखिए मैंने हर इसी तरह क्वेश्चन वाइज मैंने हर एक चैप्टर में बताया,
आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो मतलब कि यहाँ देखिए मैंने कंक्लूजन यहाँ इंट्रोडक्शन बताया, फिर इसका मेन बॉडी है, यहाँ पे कंक्लूजन बता दिया, तो आपका एज वेल एज प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेन आपको पूरा इसमें होलिस्टिक कवर होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, आप आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया है, ब्रिटिश कैसे कंसोलिडेट किया पूरा मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया मैप के द्वारा। ये देखिए बैटल ऑफ बक्सर समझा दिया है, एंग्लो मैसूर वार कितना बढ़िया बताया मैंने, फिर से यहाँ बॉक्स में हर चीज़ बता दी है, एंग्लो मैसूर वार बता दिया, मैप के साथ बताया कि आपको ज्योग्राफी में मतलब कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफिकल पता होना चाहिए कहाँ 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 हुआ है, वहाँ भी मैंने आपको नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसमें ना मैप दिया है, कुछ नहीं कर सकता उसको देख के, ठीक है। तो इसीलिए देखिए बहुत लोगों के बच्चों की हिस्ट्री कमजोर भी होती है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद गारंटी दे सकता हूँ इससे ज़्यादा यूपीएससी में नहीं आएगा। देखिए यहाँ टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश कौन कौन उनके साथ लड़ा था यहाँ डिटेल, अब आप जब बुक पढ़ने आएंगे आपको लाइन में लाइन ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शुरुआत में शो कर दिया, जिन्होंने पॉलिटी लिया हुआ है वो अच्छे से जान जाएंगे कि मैंने ये यहाँ पे इस तरह मैं क्यों बनाता हूँ, ठीक है। क्या क्या पॉलिसी यूज की ब्रिटिश ने आगे भी मैंने बताया चैप्टर, इसमें भी बताया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूरा चार्ट में बताया कैसे कैसे, ये बच्चे मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ हर चीज एक अच्छे से बता दिया। चौथा चैप्टर है पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857, यहाँ पूरा डिटेल में बताया, देखिए रेजिस्टेंस क्या हुआ, सन्यासी रिवोल्ट पूरा बताया है, पूरा बुक का नाम भी लिख दिया ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए, जितने भी रिवोल्ट हैं पॉलीगोट रिवोल्ट मिदनापुर सब कुछ मैंने अभी डिटेल में बताया इन द बॉक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फिगर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, वहाबी मूवमेंट कुका मूवमेंट पागलपंथी फेरेजी मूवमेंट सब कुछ यहाँ डिटेल में है। रिवोल्ट ऑफ 1857 देखिए कितने अच्छे से बता दिए, मैप बताया है, फिर कॉजेज ऑफ रिवोल्ट कौन से थे, आप इतना ही अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 6 है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं बेस क्या था उसका और क्या क्या हुआ था पूरा मैंने डिटेल बताया है चार्ट वाइज, यहाँ पे पीसीएस जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ मैंने फैक्ट्स भी डाल दिया ताकि आपको प्रीलिम्स में काम आ जाए, ठीक है। और पर्सनालिटीज वाइज मैंने डाला, देखिए यहाँ भी ये जो है और पर्सनालिटीज वाइज जैसे राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल आप लीजिए, पूरा इसी तरह जितने भी आगे हैं रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में डाला गया है, सोशल रिफॉर्म मॉडर्न एजुकेशन क्या क्या रिलीजियस रिफॉर्म पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या क्या था, ठीक है। जितने भी सर्वेंट्स है देखिए यहाँ पिक्चराइजेशन समझाया गया ताकि आपके दिमाग में जो लीडर्स थे उनका पिक्चर भी मेमोराइज हो जाए ताकि वो देखे, वरना आपको गूगल करना पड़ेगा कहीं और देखना पड़ेगा, किसी भी टेक्स्ट बुक में इस तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पिक्चराइजेशन के हिसाब से इसलिए बताया ताकि बच्चों के दिमाग में प्रिंट हो जाए वो डिजिटल फॉर्म में कि भैया हाँ यही थे, तो तुमको आपको याद करने मेमोराइज करने में आसानी रहती है प्रीलिम्स में, ठीक है। इंटरनेशनल कांग्रेस एरा ऑफ मॉडरेट आया कि कांग्रेस जब बनी तो कैसे था, मॉडरेट्स कौन थे, यहाँ देखिए डिटेल में मैंने हर चीज़ बताया है, पिक्चराइजेशन में वाइज बताया है, फिर बताया कि क्या क्या उनके दौरान हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस में, ठीक है। ये देखिए पूरा मॉडरेट जितने फेज है पूरा डिटेल में आपको बता दिया गया। स्वदेशी एंड वॉकआउट मूवमेंट चालू हुआ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यहाँ देखिए पिक्चराइजेशन के हिसाब से आपको पता है, देख लीजिए पूरा मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। इमर्जेंस ऑफ गांधी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जब गांधी जी इंडिया आए थे तब का है ये, देखिए यहाँ डिटेल में उनके बारे में साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया फिर इंडिया में आके क्या क्या हुआ पूरा डिटेल में उनके बारे में बताया, उन्होंने जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया वो क्या क्या है यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट में इवन एथिक्स में ऐसे में भी आपका काम आ सकता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखिए डिटेल में शुरुआत में बता दिया गया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चालू हुआ उसके फैक्टर्स क्या थे बैकग्राउंड क्या था हर चीज मैंने बैकग्राउंड भी बताया कि उसके पहले हुआ क्या था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो हर चीज मैंने डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दी। तो लास्ट पेज में देखिए नोट पेज है, इस तरह के जो बुक है जैसे आपको मैं बताया था पॉलिटिक बुक आ गई हम लोग की मॉडर्न की आ गई, इसके बाद हम लोग का आर्ट एंड कल्चर है एंशियंट हिस्ट्री भी आएगा तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, यहाँ पे देखिए ऐड है पॉलिटी का, जिन बच्चों ने ले लिया है या जिन बच्चों को लेना है या तो पॉलिटी लेना है या तो मॉडर्न हिस्ट्री या दोनों कंबाइन लेना है तो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल दे दी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है आप वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह ये पार्ट वन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट वन में आपको एक बार ग्लिम्स और दिखा देता हूँ अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए पार्ट वन है ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन से चालू है, ये देखिए ठीक है। देखिए डिटेल एनालिसिस में काफी मोटी बुक बन गई, पेजेस ज्यादा यूज हुए हैं, इसकी बनाने में कॉस्ट भी ज्यादा आई है हमारे, ये देखिए ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस तरह की बुकलेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वैसे जिन बच्चों ने पॉलिटी लिया वो दे अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, अब हम पार्ट टू देखेंगे।
सेम कॉन्सेप्ट है पार्ट टू का ही, खाली इसमें से पार्ट वन, इसमें पार्ट टू है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पार्ट टू में, ठीक है। ये देखिए पहला कवर पेज आता है आपको, फिर इंडेक्स आता है, देखिए यहाँ 16 से लेके 36 तक आपको मिलते हैं, देखिए डिटेल में यहाँ नंबर दे दिया गया है, पेज नंबर दे दिया गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 36 है, इससे पूरी मॉडर्न इसी में आपकी कवर हो। इवन जो चैप्टर्स है विद इन द चैप्टर्स बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों ने अलग चैप्टर्स में डाले हैं, टॉप चैप्टर्स के अंदर ही डाल दिए हैं, ठीक है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए कितना, देखिए शुरुआत मैंने डिटेल में बता दिया है, आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या हुआ था, हेडिंग वाइज कहीं नहीं दिया हुआ है, इतना डिटेल और कलरफुल नोट्स, पूरी टोटली कलर्ड बुक है, टोटली ए टू जेड कलर, ये भी पार्ट वन भी पूरी कलर्ड थी, हर एक ही चीज़ का कलर्ड है, वो भी हाई फॉर्म में कलर्ड है, हाई स्टैंडर्ड कलर यूज़ किया गया है इसमें, सेम चीज़ आप इसमें भी देखेंगे, हाई फॉर्मेट पूरा कलर्ड है, पूरा कलर्ड बुक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या था, कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, देखिए यहाँ डिटेल में चार्ट वाइज बताया है, आप कहीं भी देखिए आप, मैं गारंटी सर इतना पढ़ लेंगे ना आप प्रीलिम्स में कहीं नहीं फंसेंगे, इवन मेंस में भी नहीं कहीं फंसेंगे। अच्छा, डिफरेंस इन अप्रोच क्या था, गांधी नेहरू में अप्रोच पूरा मैंने डाल दिया है, नॉन एनसीएम में और सीडीएम में क्या डिफरेंस था यहाँ मैंने डाल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ईयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, ठीक है। देखिए डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या इवेंट हुए थे डेवलपमेंट के पहले, क्या क्या इवेंट हुए थे, क्या क्या था, यहाँ डिटेल में मैंने बता दिया है। देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट है, इवन मैंने पॉलिटी में भी कवर किया हुआ है सेम चीज, लेकिन इसमें इतना एक्सटेंसिव फॉर्म में है आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, इतना कठिन एक्ट है ये, कोई याद ही नहीं कर पाता है, स्पेशली 61 के बाद जितने एक्ट आए थे 1892 तक, लोग फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, यहाँ मैंने इतनी क्लियरली आपको बता दिया, आप कभी भी इसको पढ़ने बाद नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, देखिए तीन जो है वो इंडियंस हैं, देखिए यहाँ धोती कुर्ते में है, और तीन जो है आपके, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है दिखाने के लिए आपको याद रहे, वरना अगर मैं खाली 6-6 ही लिख देता आपको कभी याद नहीं रहता, आप भूल जाते वो, लेकिन ये अभी गारंटी दे रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद आप याद रखेंगे। कांग्रेस प्रोविंस, कांग्रेस ने कहाँ कहाँ प्रोविंस में था जब इलेक्शन हुआ था, देखिए यहाँ डिटेल मैंने ग्राफ में बता दिया हर एक एक चीज। क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान, पूरा देखिए डिटेल में एकदम एक एक चीज मैंने बताया यहाँ पे, हर एक चीज बताया कैसे क्या क्या वो कॉजेस क्या क्या थे, हर एक एक लाइन। नेशनल लीडर उनके, अब देखिए ये मैंने इसलिए चैप्टर डाला है क्योंकि ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उनके ये क्वेश्चन आता है जीएस वन में, एक बार पूछ में गांधी वर्सेस बोस का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या था, यहाँ मैंने चार्ट वाइज बता दिया। अच्छा ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, क्या क्या यूज करते थे, मिलिट्री, नेवल, कमर्शियल, आर्मी, पुलिस, सिविल सर्विस, सब कुछ यहाँ डिटेल में मैंने बता दिया। देखिए अब सिविल सर्विसेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवोल्यूशन कैसे हुआ यहाँ डिटेल में देखिए, कॉर्नवालिस से लेके हर एक जो जो उन्होंने योगदान दिया हर चीज मैंने यहाँ बताया। देखिए फ्लो चार्ट में इस तरह का आप पॉज करके देख सकते हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा, आप आराम से रट सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 26 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, दोनों का तीनों का डिफरेंस, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, यहीं पे मैंने बता दिया, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इसी में समझ आएगा, प्रीलिम्स का फैक्चुअल आपको यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ देखिए डेवलप, फिर से मैंने फ्लो चार्ट यूज किया हर एक चीज, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश क्यों चाहता था डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने अपने फायदे के लिए, यहाँ डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बताया है, एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट में डिफरेंस क्या था, कौन कौन चाहते थे कौन नहीं चाहते थे, यहाँ डिटेल में बता दिया, फिर से मैंने बॉक्स बताया हर एक चीज, बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर्ड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। पीजन एंड ट्राइबल एंड कास्ट मूवमेंट इंडिया में कैसे था, ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट पूरा देखिए डिटेल में मैंने बताया हर एक चीज, मैप बता के। ये देखिए सबसे बढ़िया चैप्टर, गवर्नर जनरल वाइसराय ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे सबकी फोटो डाल के एक एक चीज मैंने यहाँ बता दिया है, ताकि और उनके उनके टाइम के दौरान क्या क्या हुआ था, यहाँ भी मैंने हर चीज एक डिटेल बता दिया है। लॉर्ड मिंटो ट्रीटी ऑफ अमृतसर और रंजीत सिंह से हुई थी, इनकी फोटो, लॉर्ड मिंटो की फोटो साथ में डाल दी, ताकि आपको मेमोराइजेशन में इजिली मेमोराइज हो, अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, ये देखिए इसी तरह यहाँ पे सारा कुछ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन क्या क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसी सेशन के दौरान क्या क्या हुआ तो मैंने डिटेल में देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, डिटेल में आपको पूरा एक एक चीज दिख जाएगा लाइन से। ठीक है, तो देखिए लास्ट में आपको फिर से नोट सेक्शन मिलता है, अगर आपको इस तरह के और नोट्स चाहिए, पॉलिटी के चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री के चाहिए, तो आप लोग और आने वाले नोट दिनों में हम लोग और नोट्स ला रहे हैं, इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, ज्योग्राफी आएगा। ठीक है, यहाँ पॉलिटी का फिर से आपको ऐड दिखता है। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ उसके पार्ट टू के, ये देखिए पूरा हर एक एक चीज मैंने एक्सटेंसिवली कवर्ड किया है,
और ये इतनी आपको मोटी बुक लग रही होगी, लेकिन आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा, कोई भी बुक पढ़ लेंगे आप बार बार इसी को पढ़ना चाहेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए कितनी मोटी बुक बनी है, ये मोटी बुक है और पार्ट वन भी सेम एज इट इज़। ओके, तो ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, आप देख सकते हैं हर चीज़ हाईली कलर्ड है, सब कुछ कलर्ड फॉर्म में आपको दिखेगा, हर चीज़ एक एक चीज़ आपको कलर्ड में है, हर एक एक चीज़ आपका पूरा पूरा फ्लो चार्ट में है, बॉक्सेस में है, सेम पार्ट टू में भी है और सेम इस तरह का पार्ट वन में भी है। ठीक है, सेम पार्ट वन में भी है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, हम लोग बहुत ह्यूमंगस टास्क था, इसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को, थोड़ा सा टाइम कम था तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, रात दिन जग के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर किसी भी बच्चे को चाहिए ये बुकलेट तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहाँ पे हम लोगों ने अपना नंबर दे दिया है और वहाँ पे आपको मेल आईडी है, आप या कॉल में कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं या मेल आईडी कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर क्वालिटी बुकलेट भी चाहिए तो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों आप ले सकते हैं, या तो आप दोनों ले लीजिए क्वालिटी बुकलेट या मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों कंबाइंड करके आप ले सकते हैं, हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं और बड़ी फास्ट डिलीवरी। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल पढ़ें यूपीएससी। थैंक यू।